हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स फॉर सिविल यूट्यूब चैनल। आज केवल वीडियो बनेंगी जो कमेंट है उनका रिप्लाई करने के लिए। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाई है ये वाली कि हम ई टैब में एक्सटर्नल मोमेंट कैसे अप्लाई करें, तो आप चेक कर सकते हैं। अब ये कमेंट पूछा है इंजीनियर अजय कुमार से, थैंक यू फॉर कमेंट। इन्होंने कहा कि सर मेम्ब्रेन्स पर लोड कैसे लगे, मेम्ब्रेन्स यानी कि स्लैब के ऊपर लोड कैसे लगे। जैसे ई टैब में हम बोलते हैं सेल्स, सेल्स तीन टाइप की होती हैं, थिन सेल, थिक सेल और मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस पर हमें लोड कैसे लगाना है वो ये पूछ रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं इसी पे। सबसे पहले हमें ई टैब पे न्यू मॉडल करके ना एक बनानी पड़ेगी हमको सेल। डिफॉल्ट जो भी ग्रिड है ये सब क्या है ये सब जानने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो ओके कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं दो चार कॉलम बना लेता हूँ और मैं चार बीम बना लेता हूँ ए, और इन्हीं के ऊपर एक मेम्ब्रेन्स लगाएगा। सवाल ये है कि इसके ऊपर लोड कैसे लगाएं, इसके ऊपर लोड कैसे लगाएं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, असाइन पे जाएंगे, इसको बोलते हैं हम सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर लोड दिया हुआ है यूनिफॉर्म लोड सेट, इस सेट बनाने के लिए कोई लोड नहीं है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस है, नॉन यूनिफॉर्म लोड है और यूनिफॉर्म लोड है, ठीक है। विंड की अभी बात नहीं करेंगे, विंड लोड भी हम लगा सकते हैं, उसके लिए वर्टिकल वॉल बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो अब क्या करना है, यूनिफॉर्म ले लेते हैं पहले, असाइन सेल्स को पहले सिलेक्ट करना है यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म पूछ रहा है, मैंने डाल दिया है यहाँ पे 20, और डायरेक्शन क्या होगी, ग्रेविटी यानी डाउनवर्ड, वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से या, ठीक है। ओके कर दिया, अब ये देखिए लोड लग चुका है 20। इस तरह से एरो बने हुए नहीं आएंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है 20, इसकी यूनिट जो थी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी, ठीक है। और ये 8x8 मीटर की है ये स्लैब, तो अगर 1 मीटर पे हम ले तो 1 मीटर पे जो लोड लग रहा है वो 20 लग रहा है, फिर 20 लग रहा है, फिर 20 लग रहा है, फिर 20 लग रहा है, इस तरह से हमारा 20 20 पूरी स्लैब पे लगा हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोड लगाते हो, दो गलतियां हो सकती हैं, कि या तो आप सेल्स को सिलेक्ट नहीं करते, फिर यह क्या होता है कि कभी कभी लोड दिखाई नहीं देता, हाइड हो जाता है। तो वो यहाँ पे देखिए आप, यह है फ्रेम लोड चेक करने के लिए, यह है जॉइंट लोड चेक करने के लिए, और यह है सेल्स लोड चेक करने के लिए। तो अगर मैं सेल्स पे क्लिक करके फिर ओके कर दूंगा बस, तो सेल्स का जो भी लोड हो दिखाई देगा। अगर मैं सेल्स पे क्लिक करके यहाँ लाइव करता हूँ तो लाइव पे कोई लोड नहीं है, लॉक हो गया। या लाइव पर भी एक लोड लगा देते हैं, इसको सेल को सिलेक्ट किया, असाइन सेल्स लोड यूनिफॉर्म लाइव, लाइव पर हम लगाते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो तब यूनिट, ओके कर दिया, 10 आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं डेड पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो 20, और यहाँ पे क्लिक करके लाइव पे ओके करता हूँ तो 10, ठीक है। अब इस सेल्स को क्लिक करते हैं, अब जाते हैं सेल्स लोड के नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास चार कॉर्नर है, आपको किस तरीके से लगाना है, अगर मुझे लोड इस तरीके से लगाना है, सॉरी रफली डायग्राम है थोड़ा, इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में, दो कॉर्नर पे कॉन्स्टेंट, दो कॉर्नर पे वैल्यू हम डाल देंगे, देखते हैं डाल के 1 1। अब ये भी बदल जाएगा कि ए बी सी डी किसे कहते हैं, ठीक है। ये 1 1 5 5 1 1 5 5, ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा ये 1 यहाँ से, क्योंकि हमने बनाना स्टार्ट की थी सेल्स 1 1 5 5, इस तरीके से लोड लगा। अब बात करते हैं हम सेल्स लोड की, असाइन टेम्परेचर, तो यहाँ पे बस टेम्परेचर डाल देना है 12 डिग्री, ओके, ये टेम्परेचर स्ट्रेस आ गया। तो इस तरीके से आप सेल्स पे लोड लगा सकते हो। आप एक चीज और कर सकते हो, सेल्स को क्लिक करके एडिट में जाओगे और एडिट सेल्स, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि स्टैड प्रो में होता है आपका, उसको मैशिंग करना, देखो ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और आपको एक पार्ट में लोड लगाना है तो फिर यहाँ आप लगा सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपकी ये क्वेश्चन होगा कि एक फ्लोर है उसके एक कोने पे कुछ लोड लगाना है हमें, तो सेल्स को आपको मैशिंग करनी होगी, फिर उसी एरिया में एग्जिट उस एरिया में नहीं लगा पाओगे, उतने एरिया पे लोड लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल्स लोड लगा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और टेलीग्राम का चैनल जो है इंजीनियर्स फॉर सिविल नाम से आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में, तो चैनल मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।